नमस्ते दोस्तों, आज बनाएंगे दोस्तों विंटर स्पेशल सरसों का साग। दोस्तों सर्दी में ये सरसों का साग खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने सरसों के साग को ले लिया है और इसके इस तरीके से डंडी हटा के पत्ते को तोड़ लेंगे। दोस्तों सरसों का साग बहुत ही मुलायम होता है, आसानी से टूट जाता है, और इसको तोड़ के एक प्लेट में अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोस्तों आधा किलो पालक का साग लिया है, इनको भी डंठल को हम तोड़ के अलग कर लेंगे फ्रेंड्स, और इनको साफ पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो लेंगे। दोस्तों साग में बहुत मिट्टी होती है इसलिए अच्छी तरीके से धोएंगे हम लोग, और इसको एक प्लेट में अलग अच्छी तरीके से रख लेंगे। दोस्तों देखिए हमने साग को अच्छी तरीके से धो के तैयार कर लिया है, सारे साग को हमने धो लिया है। दोस्तों इस तरीके से साग को ले लेंगे और बीच से कट लगाते हुए इस तरीके से पकड़कर इसको महीन महीन काट लेंगे। दोस्तों साग को पहले धो लीजिए उसके बाद ही काटिएगा। इस तरीके से हम अपने साग को काट लेंगे। दोस्तों देखिए हमने सारे साग को काट के तैयार कर लिया है। दोस्तों कुकर में कटे हुए साग को डाल देंगे, सारे साग को डाल दिया है। इसमें आधा चम्मच नमक डाल के 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। दोस्तों इधर हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे, आधी चम्मच इसमें हम मेथी के दाना डाल देंगे। दोस्तों सर्दी में ये साग आप बनाकर ज़रूर खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है। दोस्तों मेथी हमारी चटक गई है, अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, कटे हुए प्याज को डाल देंगे। सारे सामान को दोस्तों इसमें डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरीके से भून लेना है दोस्तों, चला देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 टमाटर को पीस के ले लिया था और इसको इसमें हमने डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसको चला देंगे। फ्रेंड्स इसमें हम बेसिक से मसाले डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पे इनको हम भून लेंगे। दोस्तों सर्दी में साग खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मसाले को चला देंगे और इनको अच्छी तरीके से भूनने देंगे, फिर से इसको मिक्स कर देंगे। मसालों को हम दोस्तों धीमी आंच पे ही भूनेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से मसाले हमारे पक के तैयार हो जाएं। दोस्तों साग हमारा उबल कर तैयार हो गया है, इनको हमने मैश करके डाल दिया है मसाले में। मसाले में अच्छी तरीके से साग को मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से मिला देना है। फ्रेंड्स सर्दी में आप ये साग बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसमें अदरक के जूलियंस डाल देंगे जिससे और भी अच्छा इसमें स्वाद आएगा, और साग को धीमी आंच पे ही पकाएंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1 कटोरी में 2 चम्मच मक्के का आटा ले लिया है। दोस्तों इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। दोस्तों साग में मक्के के आटे का घोल इस तरीके से बनाकर डालेंगे जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। घोल हमने डाल दिया है साग में और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स साग हमारा पक रहा है। इधर हम लाल मिर्च में 1 चम्मच देसी घी डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे छौंक के लिए। दोस्तों छौंक हमारा तैयार हो गया है। दोस्तों साग के ऊपर इस तरीके से छौंक लगा देंगे जिससे हमारा साग और भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। हमारा सरसों का साग दोस्तों बनकर तैयार हो गया है, आइए इनको हम सर्व कर देते हैं। फ्रेंड्स मक्के की रोटी के साथ हमने सरसों का साग को सर्व कर दिया है। दोस्तों आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।